एक ये बिल्कुल एक बम की तरह फूटेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। तो कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। जवानों को आपको मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है, और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार है। 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास, तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश में कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने, वो तड़ी पार है। अमित शाह आपको पता नहीं है क्या, वो तड़ी पार है। ये तो वक्त, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी और हमारे देश का गृह मंत्री है, इससे बुरा देश, देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है। इस 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया, इसने सारा बेच खाया। अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। ये झूठ रंडों की सरकार है, झूठों की बौछार है, लेन देन का खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, नस्ल नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी। हिंदुत्व का करेंगे क्या, चटेंगे क्या हिंदुत्व को? हमने मंदिर नहीं, मंदिर खाने को देगा क्या? कब्जा कर लेगा तो क्या आफत आ जाएगी? यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं, तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है। मैंने ये कहा, जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। देश का नाशकरण का रास्ता है। कौन नाश कर रहा देश? मोदी। आप दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस तानाशाह को झुका के अग्निपथ को वापिस करा के, जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाएं। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे। 2024 में कलम कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार बार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं के सिद्धार्थ, और आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, और एक छोटी जानकारी आप लोगों, क्या लखनऊ में घर बनाना चाहते हैं? लखनऊ में अगर अपने सपनों का घर आप बनाना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पर। बहुत सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको लखनऊ में मिल सकते हैं। इस समय लखनऊ भारत के टॉप 10 जो शहर है, नंबर 1 पर सिर्फ लखनऊ का डेवलपमेंट हो रहा है, और लखनऊ में गवर्नमेंट के लगभग 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट फिलहाल कंटिन्यू है। तो प्लीज़ एक बार संपर्क करें, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें और पता करें कि लखनऊ में किस रेट पर सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको मिल सकते हैं, और आप अपने एक सपनों का घर बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।